हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैं गुड नाइट और मॉर्टिन की जो मॉस्किटो अगरबत्ती है, इसी का आज रिव्यू बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने गुड नाइट की भी नीम अगरबत्ती ली हुई है और मैंने मॉर्टिन ने भी अभी नई एक मच्छर वार निकाली है तो वो अगरबत्ती भी ली है। दोनों का ही मैं आपको रिव्यू बताऊंगी वन बाई वन। तो सबसे पहले इन आज के इस वीडियो में मैं इन दोनों ही का कंपैरिजन बताऊंगी। तो जो गुड नाइट का प्राइस है, इसकी जो प्राइस है गाइस, ये 15 रुपीस की है। और जो मॉर्टिन की अगरबत्ती है, इसका भी प्राइस 15 रुपीस की है। और इसमें भी 10 स्टिक्स हैं और इसमें भी 10 स्टिक्स हैं। तो ये दोनों के जो रेट हैं और दोनों में जो स्टिक्स हैं वो एक जैसी हैं। और ये दोनों ही 100% नेचुरल है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें भी नीम का है और इसमें भी नीम का है, पावर ऑफ नीम एंड टर्मरिक। सो इन दोनों में बेसिकली फर्क बस इतना है कि ये, अगर आप देख रहे हैं, जो गुड नाइट ने अपनी अगरबत्ती निकाली है मच्छर मार, ये काफ़ी बड़ी है, 3 घंटे तक ये जलती रहती है। जबकि जो मॉर्टिन की अगरबत्ती, ये बहुत छोटी है। अगर आप देख रहे हैं तो पैकेट में ही कितना अंतर लग रहा है। मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखाती हूँ। सो ये इस तरह से दोनों अगरबत्ती हैं। ये जो ब्लैक वाली है, ये गुड नाइट की है और इसमें नीचे काफ़ी छोटी सी स्टिक है। और ये वाली जो ब्राउन कलर की है, ये मॉर्टिन की है। तो दोनों की जो फ्रेगनेंस है वो काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा इसकी हार्श फ्रेगनेंस नहीं है और बिल्कुल नेचुरल इसकी फ्रेगनेंस लगती है। और जो धुआं भी है वो बहुत ज़्यादा नहीं अगरबत्तियों से निकलता है, हल्का फुल्का धुआं निकलता है, तो आपको कोई इससे हार्म नहीं पहुँच सकता। बस अंतर इतना है कि जो गुड नाइट वाली गोदरेज की गुड नाइट की अगरबत्ती है, ये काफ़ी लंबे समय तक जलती रहती है और थोड़ी मोटी भी है और ये थोड़ी पतली और छोटी है। सो यहाँ मैंने ये मॉर्टिन की जला भी रखी है। तो अगर आप देख रहे हैं, काफ़ी लो स्मोक अगरबत्ती है ये, बहुत ज़्यादा धुआं नहीं है और खुशबू भी इसकी अच्छी है। सो अगर आपको भी कोई, आप अगरबत्ती ऐसी देख रहे हैं जो मच्छर के लिए, अगर आपके घर में बहुत मच्छर हो, तो आप डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल भी है, नीम की बनी हुई है, तो कोई हार्म नहीं पहुंचाएगी। एंड क्योंकि मच्छर भी बहुत सारे हो रहे हैं, तो मच्छर से भी काफ़ी बीमारियाँ हो जाती हैं, इसलिए मैंने इनको मंगवाया है। और दोनों ही मुझे ठीक ठाक लगी, बट अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगी तो मैं गोदरेज की करूँगी, क्योंकि ये मुझे काफ़ी सही लगा। 15 रुपीज़ में काफ़ी बड़ा इसका अगरबत्ती है, 10 है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जलती रहती हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जबकि मॉर्टिन की है तो वो मुझे कुछ खास नहीं लगी। तो अगर नेक्स्ट टाइम मुझे मंगवाना होगा तो मैं गुड नाइट की लूँगी, क्योंकि ये बड़ी भी है और काफ़ी देर तक जलती रहती है, ये इतनी, ये काफ़ी छोटी है एंड दोनों का प्राइस एक जैसा है। बट अगर आप, अगर आपको ट्राई करना है तो आप दोनों ट्राई कर सकते हैं, दोनों से ही मच्छर मर जाते हैं। मैंने दोनों ही जलाई थी तो दोनों से ही मच्छर मर गए थे। सो ये था गुड नाइट और मॉर्टिन मच्छर मारा अगरबत्ती का रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।